नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं ललन टॉप। यूपी के हाथरस केस में सीबीआई द्वारा फाइल की गई चार्जशीट से चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। चार्जशीट के मुताबिक पीड़िता और एक आरोपी संदीप के बीच कुछ समय तक संबंध थे। बाद में पीड़िता ने संबंध खत्म कर लिए और संदीप और उसके साथियों ने आवेश में पीड़िता का सामूहिक बलात्कार किया। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में यह भी कहा है कि यूपी पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई में भरपूर ढिलाई बरती है। कहा गया है कि 19 सितंबर को दिए अपने बयान में पीड़िता ने 3 लोगों का नाम लिया था, लेकिन यूपी पुलिस ने बस एक व्यक्ति के ही खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया था। चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि सबूतों और गवाहों से ये भी सूचना मिलती है कि आरोपी संदीप और पीड़िता एक दूसरे को पिछले 2-3 सालों से जानते थे और दोनों कई दफा अलग अलग जगहों पर मिला करते थे। सीबीआई ने चार्जशीट में यह भी कहा है कि कॉल डिटेल्स के अनुसार पीड़िता और संदीप में मार्च 2020 तक सब ठीक था, इसके बाद फोन पर बातचीत बंद हो गई, जिससे पता चलता है कि दोनों का के बीच संबंध ठीक नहीं थे। चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि इसके बाद संदीप ने कई दफा अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के फोन से पीड़िता से बात करने की कोशिश की, लेकिन इधर पीड़िता संदीप से बात नहीं करना चाह रही थी। सीबीआई ने यह भी दावा किया है कि संदीप को यह शक था कि पीड़िता का उसकी बहन के पति के साथ अफेयर चल रहा है। यूपी पुलिस के रवैये पर भी सवाल उठाए गए हैं। कहा गया है कि 14 सितंबर को पुलिस के सामने पीड़िता ने जबरदस्ती शब्द का उल्लेख किया था, लेकिन इस पर पुलिस ने ध्यान नहीं दिया। 19 सितंबर को पीड़िता ने छेड़खानी शब्द का जिक्र किया, फिर भी पुलिस ने धारा 354 को ही एफआईआर में शामिल किया और पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए ले जाना भी जरूरी नहीं समझा और इस वजह से पीड़िता की मेडिकल जांच समय से नहीं की जा सकी और अहम सबूत नहीं जुटाए जा सके। चार्जशीट के हवाले से बात करें तो 22 सितंबर को दिए अपने बयान में पीड़िता ने कहा कि संदीप, रामू, लवकुश और रवि ने उसका बलात्कार किया और संदीप ने उसके दुपट्टे से उसका गला घोटने की कोशिश की। सबसे पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फॉरेंसिक साइंस विभाग द्वारा की गई जांच में कहा गया कि वजाइनल या एनल इंटरकोर्स करने के कोई चिन्ह नहीं मिले, अलबत्ता शरीर पर हमले के सबूत मिले। सीबीआई द्वारा जांच शुरू करने के बाद एम्स के फॉरेंसिक विभाग द्वारा मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया। मेडिकल बोर्ड ने अपनी जांच में कहा कि पीड़िता के गैंगरेप की आशंका को ठुकराया नहीं जा सकता है, क्योंकि घटना के एक हफ्ते बाद भी वजाइना में थोड़ी बहुत ब्लीडिंग देखी गई। एम्स बोर्ड ने यह भी कहा है कि बलात्कार या यौन शोषण अपराध की रिपोर्टिंग, तफ्तीश और फॉरेंसिक जांच में इतनी देर हो चुकी है, इस वजह से भी जननांगों में घावों के सबूत का मिलना भी संभव है। इस मामले में कोई और जानकारी आती है तो वो भी आप तक हम लेकर आएंगे। ये जानकारी आपके लिए लाए थे सिद्धांत, शुक्रिया।